अनिका से दूर होकर शिवाय को हुआ अपने प्यार का एहसास। आखिरकार शिवाय को समझ आ ही गया कि शादी का रिश्ता है कितना खास। प्यार का जो एहसास गुस्से या मिन्नतें करने से नहीं होता, वो एहसास अपने प्यार से दूर हो जाने पर हो जाता है। शिवाय की बेरुखी से परेशान होकर अनिका शिवाय को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए घर से चली गई है। इतना ही नहीं, अनिका ने ट्विंकल के लिए शादी का जोड़ा और एक खत भी भेजा है। भैया, भाभी ने पार्सल भेजा है। अनिका का खत पढ़कर शिवाय बेहद इमोशनल हो जाते हैं। कभी कभी तुम्हें इतना परेशान करेगा कि तुम्हारा मन करेगा उसका गला दबा दो। गला, लेकिन फिर अपनी कंजी आंखों से ऐसे देखेगा कि तुम्हारा सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। लेकिन उसकी ये सारी बुराइयां उसकी अच्छाइयों के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस बाहर विले के अंदर इतना अच्छा दिल छुपा हुआ है जो सबसे प्यार करता है, जो अपने परिवार के लिए जान तक दे सकता है। अपनी बहन का दर्द देख गौरी भी चुप नहीं बैठती और शिवाय को तुरंत ताना मार देती है। कांग्रेचुलेशन सीजो, मैंने परमिशन दे दिया, आराम से शादी कीजिए। गौरी, आज तो आप शिवाय को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, तानों पर ताने बरसा रही हैं आप। तो बेसिकली वो बेचारे उसकी हालत देख के हमें भी दया तो आ रही है और मुझे अपने टेंशन है कि गायब कहाँ गई मेरी बहन। बट ऊपर से लेटर दिखता है एंड शी इज गिवन परमिशन टू द झल्ली ट्विंकल, हमारी जो क्यूट सी है, कि उससे शादी कर लो। तो तुम टॉन्ट मार रहे हो? तो मैं टॉन्ट मार रही हूँ, आई एम सच ए सेडिस्ट, उसमें भी मैं टॉन्ट मार रही हूँ। बट बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मेक हिम रियलाइज कि अनिका कितनी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक वो उन्हें रियलाइज हो रहा है। हाँ, गौरी के ताना मारने की देर थी और शिवाय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शिवाय का दिल अनिका के लिए तड़प उठता है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। अनिका सोच भी कैसे सकती है, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो जब नहीं होती ना, मुझे सांस नहीं आती, और वो मैं नहीं करूंगा शादी किसी से, मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे अनिका चाहिए। शिवाय अनिका की तलाश में वहां से निकल जाते हैं और नानी ओम और रुद्र को शिवाय के पीछे जाने से भी मना कर देती है। एक मिनट, जाने दो उसे, आज उसे शादी का मतलब समझ में आया, आज उसे अपनी बीवी की अहमियत समझ में आई, आज मेरा बच्चा अपने आप को अनिका के बिना अधूरा महसूस कर रहा है, और ये अधूरापन। वैसे आपको बता दें कि अनिका का घर से जाना, ट्विंकल के नाम पार्सल आना और गौरी का शिवाय को ताना मारना, ये सब ड्रामा था। जी हाँ, अनिका ने नानी और बाकी घर वालों के साथ मिलकर ड्रामा किया था ताकि शिवाय को प्यार का एहसास हो और शादी का सही मतलब समझ में आए। और लगता है कि अनिका का ये प्लान सक्सेसफुल भी रहा है। वो तो हमें पता ही था, वो तो बस शिवाय जीजू को रियलाइज करवाना, वो नेग्लेक्ट कर रहे थे सिर्फ कि नहीं अभी मैं नहीं अलग होना चाहता हूँ, बट अब नहीं हो रहे हैं। वो भी आउट ऑफ लव ही अलग होना चाह रहे थे बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन, पीटीएसडी, उसकी वजह से वो अलग करना चाह रहे थे, दूर करना चाह रहे थे। अब वो कैन नॉट, प्यार तो प्यार होता है। इतने सारे इमोशनल ड्रामे के बाद जल्द ही इश्कबाजों की लाइफ में हैप्पी डेज भी लौट कर आएंगे, क्योंकि अपनी रूठी बीवी को मनाने के लिए शिवाय एक स्पेशल सरप्राइज भी प्लान कर रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, वो सब जीजू की तरफ से है एंड नाउ यस शी डिजर्व्स इट, अब तो इतना तो डिजर्व करती है बेचारी, इतना रुलाया बेचारी को बहुत, तो इतना तो डिजर्व करते हैं। चलिए, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन शिवाय को प्यार का सही मतलब समझ में तो आया। उम्मीद करते हैं कि इस बार शिविका जब मिलेंगे तो फिर कभी नहीं बिछड़ेंगे। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।